नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आगे एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गेट के सिलेबस को शॉर्ट कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, जितना हो सकता है इतना फैला हुआ सिलेबस है उसको कॉम्पैक्ट कैसे करना है, कैसे सिलेबस को अपनी मुट्ठी में लाना है। आपको पता है जो भी लोग टॉप करते हैं गेट एग्ज़ाम में, उसको टॉप करने का उनका रीज़न ये है कि अपने सिलेबस को मुट्ठी में ले पाते हैं, अपने सिलेबस को कंसाइज कर पाते हैं, वो देख पाते हैं कि हमें इतना ही तो पढ़ना है सिर्फ। और जो लोग टॉप नहीं कर पाते ना, उनका बस एक ही चीज़ पीछे रह जाता है कि वो सिलेबस को बहुत हैवी समझते हैं, इतना बड़ा है यार, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बहुत कुछ बाकी रह गया। वो अपने आप को डिप्रेशन डाल देते हैं उस चीज़ को, कन्फ्यूज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो इस वजह से नहीं कर पाते। और टॉपर्स टॉप इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो सिलेबस को कंसाइज कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं कि इतना सा तो है, पढ़ तो लेंगे इतना सा, वो होता है चीज़। तो आइए आज बात करेंगे इसी को कंसाइज करने, कैसे कंसाइज करना है सिलेबस। आइए पहले सीखते हैं कि सिलेबस को छोटा कैसे करना है, इसको कॉम्पैक्ट कैसे करना है। तो आप एक काम करें, पहला स्टेप ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसको कैटेगराइज कीजिए। जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको बड़े सब्जेक्ट में रखिए, जो छोटा सब्जेक्ट है उसको छोटे सब्जेक्ट में रखिए। और उसको इस तरह से रखना है और इस तरह से पढ़ना है उन दोनों को कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने से दूसरा अपने आप कंप्लीमेंट्री हो जाए आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें उसके बाद आईसी इंजन को अटेम्प्ट करें आप, ठीक है। पर मैं क्यों, क्योंकि दोनों की बेसिक सेम है। तो एक बार आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे, आईसी इंजन आपको बहुत इजी लगेगा, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी फॉलो करती हैं। तो चाहे कोई इंसान अगर घर पे प्रिपरेशन कर रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो या कोचिंग में कर रहा हो, पैटर्न एक ही है जाने का कि फ्लो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कैसे निकलना है हमें। अगर हम स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ लिए हैं तभी मशीन डिज़ाइन अटेम्प्ट करेंगे, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिए हैं तभी मटेरियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, मैं आपको क्लिप अभी, उस क्लिप को देखना आप उस क्लिप में आपको मालूम पड़ जाएगा कि सब्जेक्ट को कैटेगराइज कैसे करना है और हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब एक को समझ जाना, एक सब्जेक्ट को समझ जाना अच्छे से दूसरे को आसान कर देगा आपके लिए, तो आपको सिलेबस इजी लगेगा। एक बार आप ये पैटर्न फॉलो कर लो ना, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका फॉलो अप कर लोगे आप, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपको 3-4-5 सब्जेक्ट जो हमारे हैं ना वो आपको एक जैसे ही लगेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये 5 सब्जेक्ट आपको एक दिखेंगे, वो बिल्कुल आपको एक दिखेंगे। बस आप इस पैटर्न से पढ़ना शुरू करो, फिर आपको सिलेबस लगेगा कि इतना सा तो सिलेबस है, इजीली पढ़ लेंगे। अरे एक बार पढ़ लोगे फिर रैंक तो आना ही आना है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैटेगराइज कैसे किया है मैंने, अभी क्लिप आएगा एक, उस क्लिप को देखिएगा आपको समझ आ जाएगा सब्जेक्ट को कैटेगराइज कैसे करना है, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ तक देखने के लिए, अगर आपको चैनल की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमारी फैमिली को बढ़ाएं और जितना हो सकता है इस वीडियो की रीच बढ़ाएं, मैक्सिमम शेयर करें इसको। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका धन्यवाद।